हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इक्वेटर के बारे में स्टडी करेंगे। इक्वेटर को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। ये हमारी अर्थ है। अर्थ पे बहुत सारी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है जिसका कुछ स्पेसिफिक नाम है। जैसे ये सब देखिए, ये हमारी है इक्वेटर, जिसका वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो आपका हॉरिजेंटल लाइन है, ये सारे हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो वर्टिकल लाइनें होती है, वर्टिकल लाइन दैट मीन्स ये वर्टिकल लाइन्स है, ये वर्टिकल लाइन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। अब इसमें देखिए, इक्वेटर का कितना वैल्यू होता है, ये होता है 0 डिग्री। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगर नॉर्थ की बात करें दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अगर सेम वैल्यू दैट मीन्स 23.5 डिग्री अगर साउथ की बात करेंगे तो उसका क्या नेम होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है 66.5 डिग्री साउथ, इसका है एंटार्कटिक सर्किल। अगर नॉर्थ की बात करें तो इसका क्या होगा, आर्कटिक सर्कल। 90 डिग्री नॉर्थ की अगर बात करें तो उसका नाम होता है नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ दैट मीन्स साउथ पोल। अब हम लोग आते हैं इक्वेटर के बारे में स्टडी करते हैं। ये हमारे क्या है, वर्ल्ड का मैप है जिसमें ये हमारे इक्वेटर है दैट मीन्स 0 डिग्री। अब देखिए ये कौन कौन सी कंट्री से पास करती है उसके बारे में देखते हैं। तो ये टोटल हमारे जो है 13 कंट्री से क्रॉस करती है, जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, और 3 वाटर बॉडीज भी हैं। जैसे फर्स्ट कंट्री है इक्वाडोर, सेकेंड कोलंबिया, थर्ड ब्राज़ील, फोर्थ गैबॉन, फिफ्थ कॉन्गो, सिक्स्थ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नेक्स्ट युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबाती एंड सॉटोम प्रिंसिपे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, सारे कॉन्टिनेंट वाइज सबको डिवाइड कर दिया है। जैसे साउथ अमेरिका की 3 कंट्री है, अफ्रीका की 7 कंट्री, एशिया की 3 कंट्री है। तो साउथ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्री है, यह है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका की देख रहे होंगे सर्टोम एंड प्रिंस, नेक्स्ट गैबॉन, कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, एशिया मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबाती। अब देखिए इसका क्या ट्रिक है, जैसे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, BCE दैट मीन्स B4 ब्राज़ील, C4 कोलंबिया, E4 इक्वाडोर। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका जो है काफ़ी क्या है, पुअर कंट्री है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव नहीं कर पा रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि SDG सक। अब इससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं S4 शॉर्ट टर्म एंड प्रिंसिपे। उसके बाद नेक्स्ट D4 हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नेक्स्ट G4 गैबॉन, S4 सोमालिया, U4 युगांडा, C4 कॉन्गो एंड K4 आपका केन्या। देखिए एशिया, एशिया में टोटल 3 कंट्री है। 3 कंट्री में जैसे एशिया की कंट्री है नॉर्थ कोरिया, जो कि आप किम जोंग से फेमस है, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं K4 किरीबाती, I4 इंडोनेशिया, M4 मालदीव्स। इक्वेटर से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो देखिए इक्वेटर का कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ सर्फेस पे है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वेटर जो है वो पास करता है 13 कंट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट्स और 3 वाटर बॉडीज। 3 वाटर बॉडीज में हो जाएंगे, फर्स्ट आपका हो जाएगा इंडियन ओशियन, सेकंड अटलांटिक ओशियन, थर्ड पैसिफिक ओशियन। अफ्रीका एक ऐसी कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है।
अब आइए इक्वेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। द इक्वेटर ही पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आप चूज करके करेक्ट आंसर को बताइए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।